क्या बात है हूं? उदासी लग रही हो? राज की बात का बुरा मान गई? लेकिन मैं भी क्या करूं? बताओ ना, तुम राज की पत्नी हो, तुम्हें समझना चाहिए कि उसे क्या अच्छा लगता है और किस बात का बुरा मानता है। मुझे सब मालूम है। मालूम है? फिर भी तुम दोनों में इतनी गलतफहमियां? ये ठीक नहीं है बहू। राज मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। ये तो दुनियादारी है, कोई भी बेटा अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगा। माँ जी, आप ये सब मुझे बताकर क्या साबित करना चाहती हैं? आपको क्या लगता है, मैं हार जाऊंगी? नहीं नहीं, कभी नहीं। इसमें हार जीत का सवाल ही नहीं उठता। ये खेल ही ऐसा है कि इसे सबको एंजॉय करना चाहिए, और मेरे ख्याल से तुम भी काफी एंजॉय कर रही हो। आप कर रही है ना, यही काफी। लेकिन एक बात बता दो, बहुत दिनों तक आपका ये खेल चलने वाला नहीं है। अच्छा, लगता है तेवर बदले नहीं तुम्हारे। मुझे सबक सिखाना चाहती हो तुम? कुछ नहीं होगा, तुम्हारे इस खोखले गुस्से से तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में आपको खुद ही पता लग जाएगा। कितनी भोली है तू। तुम मुझे सबक सिखाना चाहती है? राज मेरा बेटा है, समझे तुम? और अगर तुझे लगता है कि तू सब कुछ राज को बता देगी तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल होगी, और उसमें मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगर कोई नुकसान होगा तो वो राज का। सोच लेना, अच्छी तरह सोच लेना। समझ में नहीं आता मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। कोई बात बनने से पहले ही बिगड़ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ जाता है। शीतल, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि पार्टी होने वाली थी? हाँ मैम, जूही ने मुझे जिस तरह से बताया था, she was quite sure about it। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि इतना बड़ा प्रोग्राम ऐसे अचानक कैंसिल हो गया? यही तो सोचने वाली बात है कि बिना किसी वजह से पार्टी कैंसिल कैसे हो सकती है। कहीं किसी को हमारे प्रोग्राम के बारे में पता तो नहीं चला? ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कितने लोग थे? सिर्फ हम तीनों, जूही और सलोनी। हाँ, हम तीनों के अलावा सिर्फ जूही और सलोनी जानती थी कि मैं पुलिस को लेकर वहाँ पार्टी में जाने वाली हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें पार्टी के बारे में बताया था तो वो लोग ये बात को कैसे लीक कर सकते हैं? चाहे बात किसी भी तरह लीक हुई हो, सलोनी के थ्रू या जूही के थ्रू, लेकिन ये मौका तो हमारे हाथ से चला गया। अब हमें आगे क्या करना है ये सोचना है।
wasn't it fun? Thank God, माजी अब तक नहीं आई। तुम माजी से इतना डरती क्यों हो? अरे तुम नहीं जानती, अगर उन्होंने इन कपड़ों में हमें देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। Oh shit, माजी आ गई। चलो चलो, और ये कपड़े? अरे वो चलो। God. अरे घर में इतना अंधेरा क्यों है? मुझे लगता है कोई घर में है नहीं। तू अपना काम कर जा। जी। माजी आप आ गए? हाँ बेटा आ गई मैं। हाँ बस मैं। नहीं नहीं बेटा, पूजा खत्म कर लो। थैंक्स सलोनी, तुमने हम सबको बचा लिया, नहीं तो हम लोग सब मारे जाते। सलोनी, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो? नहीं प्लीज, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और मैंने तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती थी, बल्कि मैं तुम लोगों का विश्वास जीतकर ये जानना चाहती हूं कि मोना का कातिल कौन है। प्लीज अगर तुम लोगों के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे बताओ, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं जान लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। हाँ सलोनी, लेकिन हमें क्या मालूम कि मोना का खून किसने किया है? और तुम ये कैसे कह सकती हो कि मोना का खून ही हुआ था? सब जानते हैं कि मोना ने सुसाइड किया था। नहीं तानिया, मोना ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसे मारा गया था। क्योंकि जब मोना मुझसे मिलने आई थी तो उसने मुझे बताया कि वो जीना चाहती थी, वो मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी। तानिया, मोना जीना चाहती थी। छोटी मालकिन, आज आप किधर घूमने गई थी? वो जेठा जी, हम बस यूं ही हाजिरी गए थे। हाँ, बहुत अच्छी जगह। कितने दिनों से मैं भी सोच रहा था उधर जाने के लिए। तो साथ में क्यों नहीं चले गए? साथ चले जाते। ऐसे कैसे जाता? कोई ले जाए तब ना। जेठा जी, लेकिन आप तो माजी के साथ मार्केट गए थे ना? वो तो जाना ही था। खैर कोई बात नहीं, अगली बार चलूंगा, लेकिन आप लोग मुझे जरूर ले चलिएगा। वैसे मालकिन, वहां एक बहुत बड़ा मार्केटिंग जगह है, वो कोई मार्केटिंग है जगह, क्या नाम है उसका? क्रॉस रोड्स। हाँ, उधर सामने एक वड़ा पाव वाला है, क्या टेस्टी बढ़िया वड़ा पाव बनाता है। हाँ, मैं जब भी उधर जाता हूँ ना उसका वड़ा पाव खाता हूँ। आप लोग गई थी वहां? हाँ गए थे ना, गए थे ना। और कहाँ गई थी आप? जेठा, सब कुछ आज ही जान लोगे क्या? अगर तुम बड़ा पाव को इतना ही मिस कर रहे हो तो अगली बार चले जाना। भाभी, अगली बार इन्हें जरूर ले जाना, वरना बड़ा पाव की याद में जाने कितनी रातों तक नींद नहीं आएगी इसे। भला मुझे क्यों नींद नहीं आएगी? मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। लेकिन वैसे सामने कोई वड़ा पाव वाला है नहीं है। क्या मतलब? मतलब तो माजी मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। जब वहां कोई वड़ा पाव वाला है ही नहीं तो छोटी मालकिन लोग गई कहां थी? ये पक्या, ये बोल, तुझे सांगूंटे होता है? मेरा रमेश अब किधर भी नहीं जाएगा। हाँ अरे किधर गया था वो? अपने सासरवाड़ी में तो गया था ना, तो वो लोग बुलाएंगे तो कैसे मना करेंगे हम लोग? मना करेगा मतलब? तुझे माहिती है, अरे वो काला टीका लगा लगा के पूरा बच्चे का मुंह ही काला हो गया मेरा। अरे तू काहे को इतना काला टीका लगा दिया उसको? येड़े झाले तू, तेरे को मालूम है काला टीका क्यों लगाते? अरे किसी का नजर नहीं लगे ना, इसलिए लगाते काला टीका। ए माई, तू भी ना बस कभी कभी बच्चों के माफिक बात करती,
नाना नानी का नजर लगता है क्या बच्चे को कभी? तू ना आजकल सास ससुर का जरा ज्यादा ही बोलने लगा है। कौन है? प्रिया ने शिकोले तुला? हाँ देख इधर को बोल के रख दिया, बोला घड़ी घड़ी उसको उधर बुलाते, खुद का जैसा ही बना के रखेंगे उसको। मैं ना बना ले देना तेला ऐसा, मेरे को उसको जैसा बनाने का ना वैसा ही बनेगी देख। हाँ तू तेरा राहुल को ना वैसा ही बना जैसा तेरे को बनाने का उसको, टेंशन मत लेना। काय को टेंशन लेती तू? तेरा वास्ते आजकल कितना चक्कर लगाते तू उधर, घड़ी घड़ी जाते है अपने ससुराल तो। माई तू भी ना कुछ भी बोलती है, मैं काय को जाएगा उधर। मुझे मालूम है तुमने वो दोनों चिट्ठियां फाड़ दी होंगी, लेकिन प्रीति प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, सिर्फ तुम्हारा राज। प्रीति प्लीज इस लेटर को मत फाड़ना प्लीज। देखो प्रीति मैं बाहर खड़ा हूं, प्लीज दरवाजा खोलो ना प्लीज। मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो मुझे प्लीज। तुमने मुझे माफ कर दिया राज, तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्रीति जो कुछ हुआ वो हर घर में होता है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूं, तुम हर्ट हुई हो, लेकिन प्रीति मैं क्या करूं, वो मेरी मां है, इस घर की बड़ी है, उनकी छोटी मोटी बातें तुम भुला नहीं सकती। राज ये सब तो मैं भी समझती हूं, मैं जानती हूं कि वो मेरी माँ की तरह है, लेकिन राज मेरी समझ में नहीं आता कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी कि माँ मुझसे इस तरह से नाराज है। नहीं वो तुमसे नाराज नहीं है प्रीति, देखो इंसान की फितरत होती है, कभी कभी वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी हरकतें करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा कि इस घर में इस तरह की बातें ना हो। अब देखो इस झगड़े में मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। क्या? अगले हफ्ते मैं और तुम और मैं यूरोप के टूर के लिए जा रहे हैं। क्या? राज कब जा रहे हैं हम लोग और कहाँ जा रहे हैं? वो एक सरप्राइज है, लेकिन एक बात तय है, तुम जब जगह का नाम सुनोगी ना तो खुशी से झूम उठोगी। नहीं राज मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मुझे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। राज प्रीति तो बहुत इंफॉर्मेशन है आपको इस एरिया के बारे में। इंफॉर्मेशन जानकारी वो तो क्या रखनी पड़ती है ना, इतने बड़े घर का नौकर जो हूँ लोग क्या कहेंगे। अच्छा अच्छा तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। और नहीं तो क्या, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बहुत सारी, आप पूछे तो सही। हाँ वही तो करने आई हूँ, पूछने तो आई हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है।
और क्या क्या गुड़ खिलाते हैं आप? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि कौन कहाँ से आता है, कहाँ पर जाता है, किससे मिलता है, क्यों मिलता है, ये सब कैसे पता करते हैं आप? पहले किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते थे? मैं समझा नहीं। इसीलिए तो इतने टैलेंटेड होते हुए भी एक नौकर बने हैं घर में। आप कहना क्या चाहती हैं? वही जो आप समझना नहीं चाहते। देखिए मालकिन, ये जबरदस्ती है क्या? आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? हाँ, मैं आपके पीछे पड़ी हूँ या आप लोगों का पीछा करते फिरते हैं? वैसे मुझको ये बताइए, ये जासूसी आप करते किस लिए हैं? देखिए, आज तक ऐसा सवाल पूछने की किसी ने कोशिश नहीं की है। हाँ, हाँ, इसलिए आपका दिमाग ना सातवें आसमान पर चढ़ गया है। अरे अरे जेठा जी, देखेगा, संभल कर रहिएगा। छोटी मालकिन, अरे बहुत देखा ऐसे लोगों को। ये क्या सोचती है, मुझे धमकी देकर डरा देगी? अरे मैं नहीं डरने वाला। हाँ, रियली? हाँ, मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा? नहीं नहीं जनी, ये क्या कह रही हो तुम? छोटी मालकिन, आप बीच में मत बोलिए। क्या कर लेंगे आप मेरा, क्या कर लेंगे? अच्छा, सोच लीजिए, कहीं एक्साइटमेंट में आकर आप कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए। ये जो आपकी चापलूसी है ना, अब इस घर में चलने वाली नहीं है, तो ये सब चीजें छोड़कर काम में ध्यान दीजिए, वरना। वरना क्या कर लेगी आप मेरा, मुझे इस घर से निकाल लेगी? अरे जब तक ये मेरे पास ताबीज है ना, इस घर से मुझे कोई निकाल नहीं सकता। हाँ जेठा जी, जमाना बदल रहा है, तो आप क्यों ये पुराने दिनों की बातें सोच सोच कर इतरा रहे हैं? और मुझे भी नहीं लगता है कि आप ज्यादा दिनों तक इस घर में टिकने वाले हैं। छोटी मालकिन, इस घर का मैं सबसे पुराना नौकर हूँ, और मैं बता देता हूँ इस ताबीज की कसम, अगर कोई मेरा बुरा करने की कोशिश करेगा ना, तो वो भी चैन से नहीं रहेगा। हाँ। देखो पूर्वी, हम दूसरे माँ बाप की तरह नहीं है जो अपने बच्चों पर तरह तरह की बंदिशें लगाने को ही अपना हक समझते हैं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो अरुणा? माँ, पापा सही कह रहे हैं, तुम नहीं जानती आजकल पूर्वी कुछ ज्यादा ही घर से बाहर रहने लगी। तो क्या हुआ, तुम क्या उसके टाइम कीपर हो? हाँ, अपने काम से काम रखो। ओफो अरुणा, तुम पूरी बात तो सुनती नहीं हो। अरे ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं मालूम? अरे पूर्वी अगर अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाना चाहती है तो जाने दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूर्वी, तुम्हारा फ्रेंड है कौन? मिलवा तो उसे। पूर्वी तुमसे मिलने को आया है। हाय पूर्वी। हाय, यहाँ पे आना। हाँ भाई, मामा ये वही है जिसके बारे में आप मुझे अभी पूछ रहे थे। हेलो अंकल, हेलो आंटी। तुम हो क्रिश? यस अंकल, इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, क्या मैं पूर्वी को डिस्को ले जा सकता हूँ? बिल्कुल, अरे परमिशन लेने की जरूरत क्या है, जाओ जाओ, दोनों एंजॉय करो, लेकिन पूर्वी अपना ख्याल रखना। क्या? अरे तू समझी नहीं, अपना ख्याल रखना, डांस करते वक्त कहीं लुढ़क न जाना, मोच वोच आ जाएगी तो। तेरी शूटिंग शुरू होने वाली है ना, जा गो एंजॉय।